रुको रुको, कल तुमने जवाब मांगा था ना? जवाब हाँ है। हे पूनम, मेरे को रुको, मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम्हारी हाँ सुनने के लिए मैंने बहुत वेट किया है, एक बार फिर से बोलो ना प्लीज। जब इन दोनों ने हाँ कहा और ऊपर आए तो हम दोनों की तरफ से भी हाँ हो गया, लगता है ये दोनों शर्मा रही हैं, इसलिए हम कह देते हैं। ए, ए सुनो, I love you। पूनम, पूनम I love you, I love you पूनम, पूनम। चल निकलते यहाँ से। ए, क्या बेवकूफी है तुम दोनों को, कार्तिक और प्रभु के साथ क्या परेशानी है? परेशानी नहीं तो फिर उन्हें मारने की वजह क्या है? हमने नहीं मारा। अच्छा, मतलब वो दोनों झूठ बोल रहे हैं? एक रख के दूंगी, शादी करने वाले आई लव यू बोलेंगे तो क्या उनको मारोगी? इसमें गलती क्या है, क्या परेशानी क्या है? कुछ भी तो नहीं, होने वाले पति से ऐसा बर्ताव करोगी तुम लोग? क्या कहा, वो हमसे शादी करेंगे? हाँ बेटी। देखा तूने, तेरे सामने अपनी माँ पे हाथ उठाया, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम दोनों से पूछा, तुम दोनों राजी थी ना, तो अब क्या हुआ? क्या समझ क्या रखा आपने आपको? वो हमारे घर के दामाद होने वाले थे ना। कौन किसके घर के दामाद है? देखो, अब से ये दामाद वो दामाद, इस घर का उस घर का, ऐसा कुछ नहीं कहोगी तुम, समझ गई ना? या अच्छे से समझाऊं? समझ गई ना? ये क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? हम तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह घूम रहे हैं और तुम घुमाई जा रही हो हम लोगों को। कॉलेज में हम ही तो ड्रॉप करते थे ना, आजकल तुम लोग अवॉइड क्यों कर रहे हो? चार दिन हो गए तुम लोगों से मिलके, तुम लोग कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कुछ समझ में नहीं आता। हम जब भी फोन करते हैं दोनों का फोन बिजी आता है, सोचा वापस कॉल करोगे तो नहीं करते, फिर सुबह कॉलेज में मिलने आते हैं तो देखकर इग्नोर कर देते हो, और अभी तुम किसी और की कार से उतर रही हो। ये क्या हो रहा है भगवान, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, दिल टूट रहा है मेरा, मरने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। अब तो बताओ क्या हुआ। ए, ए, तुम लोग बदल गए हो, तुम लोग पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो। सही कहा, हम पहले जैसे नहीं है, तुम समझ गए हो ना, तो रिएक्ट क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आता क्या, पीछा करते रहते हो, बेवकूफ हो। ए, ये तुम ही बात कर रही हो क्या, क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, कैसे जीऊंगा इसके बिना मैं? ए, तुम लोग हमारी अच्छाई को भूल रहे हो। हेलो, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे हम दोनों भूल गए हैं? पढ़ाई के लिए बुक्स खरीदी क्या, या मुझे वॉच खरीद के दी, या कोई ड्रेस खरीद के दी, या कोई साइकिल या स्कूटर तक खरीद के दी हमें? आए बड़े, हमें कभी सोने की चेन दी है क्या, या हमारे अकाउंट में बैंक में पैसे जमा किए हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा वो मिठाई, या पेपर में लपेट कर खाने के लिए वो भजिया, इसके अलावा और क्या खरीद कर दिया बताओ जरा? क्या कभी एक सिम कार्ड भी दिया हमें, या फिर कभी हमारे फोन में रिचार्ज करवाया? बल्कि हम ही तुम्हारे फोन में रिचार्ज करवाते थे। ये क्या बोल रही हो, हम लोग प्यार के बारे में बात कर रहे हैं और तुम पैसों के बारे में बात कर रही हो, ये सब खरीद के देंगे तभी प्यार करोगी क्या? अगर खरीद कर नहीं दिया तो भी किस नाम का प्यार? मतलब पैसे नहीं है तो प्यार नहीं करेगी क्या? हाँ यही समझो। हे, क्या बात कर रही हो तू? तो तुम समझ रहे हो हम क्या है खुद को? मुझे हाथ मत लगाना समझे, नहीं तो। हे, तुम लोगों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है? रहने तो तुम, दो बर्गर भी खिलाए हैं क्या? सच्चे प्यार के लिए तो लोग महल छोड़कर आ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है हम लोगों ने, और चंद पैसों के लिए तुम लोग हमारा प्यार ठुकरा रही हो। ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आती। अब से हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तुम भी हमें परेशान मत करना, और यही बताने के लिए हम यहाँ रुके।
ए, ये सब मजाक है क्या? हमने प्यार किया है, हमारी कोई औकात नहीं है क्या? हमारे प्यार का क्या होगा हा? ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है? अगर एक महीने हम तुम्हें नहीं मिले ना, तो तुम्हारा सारा प्यार उतर जाएगा। ऐसे होते हैं लड़के। ये तो छोड़ो, शादी करके 10 साल बाद दो बच्चे पैदा होने के बाद भी अगर पसंद ना हो तो पति पत्नी डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर लेते हैं। 10 साल के प्यार में ऐसा नहीं दिख रहा, ये रियलिटी है। ये रियलिटी नहीं है, इसे धोखा कहते हैं। तुम्हें जो समझना है समझो, तुम हमें प्यार करते हो ये सच है, पर अब हम तुम्हें प्यार नहीं करते ये भी सच है। आज से हमारे पीछे आना, फोन करना, मैसेज करना, यहाँ रुकना, वहाँ रुकना, फ्रेंड्स के साथ कुछ बोलना, पंचायत करना, ऐसा कुछ भी किया तो फिर देख लेना, हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे, समझे? गुड बाय। जा रही है। क्या हो गया? चल। भाड़ में जाए तुम लोग और तुम्हारा प्यार। रुक जाओ बेटी, सुनो तो कहाँ जा रही हो? बताओ ना, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? देखो हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। हम दोनों घर में बोर हो रहे हैं, बाहर जाकर आते हैं। मानसी तू तो मेरी बात सुन। हम बाहर जाकर आते हैं। लेकिन एक बार बाहर जाकर आते हैं कहा ना? चलो। मेरी दोनों बच्चियां, ये खुद जा रही है या इन्हें कोई ले जा रहा है? उठाओ रे इन लोगों को। हटो। चलो गाड़ी निकालो। कौन हो तुम? हमें क्यों लेकर आए हो? डरो मत तुम दोनों, तुम्हें मारने के लिए लाए हैं। हमने क्या किया जो हमें मारना चाहते हो? पैसा लिया है हमने। किसी से पैसे लेकर हमें मारना, क्या ये पाप नहीं है? पाप और पुण्य देखता ना तो बंगला, गाड़ी, सोना, ये सब नहीं होता। ये उंगली में पहन लीजिए, अपने बेटे का नाम बोलिए, गोत्र और तिथि बताइए। रमेश। गोत्र भारद्वाज। आप अपने बेटे का नाम और तिथि बताइए।
रवि, द्वादशी तिथि, ये बच्चों ने हमारे लिए करना चाहिए था, लेकिन आज वक्त आया कि हम उनके लिए कर रहे हैं। रोइए मत, एक दिन तो सबको ही जाना होता है, लेकिन भगवान ने उन्हें पहले बुला लिया, यही अंतर है। काशी गया पुण्य क्षेत्रम वर्षाब्दिक हिरण्य सार्थम तिल सार्थम पिंड सार्थम समर्पयामि मातृ देवताभ्यो नमः। जो मर गए हैं उनका ध्यान कीजिए और अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। यह पिंड ले जाकर कौओं को खिलाइए। अगर कौओं ने इन पिंडों को खा लिया तो समझ लीजिए कि उन आत्माओं ने भी खा लिया। ये श्राद्ध का खाना ये आपके लिए नहीं है बेटा, ये खाना हमारे लिए तो है। तुम क्या कह रही हो बेटा? मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका बेटा रमेश हूँ। और मैं रवि हूँ माँ। हम लोग तुम्हारे लिए ही तो जी रहे थे, हमें छोड़कर क्यों चले गए? प्लीज माँ, हम आपके हाथों एक बार बस खाना चाहते हैं माँ। खा बेटा। अगर किसी ने होशियारी दिखाई तो जान से मार दे। नहीं पीर बाबा, उन्हें छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को भगाने के लिए खून भी कर सकता हूँ। ए लेके चलो चलो। ये जानकी माँ बुलाए तो वो काली भी आएगी। तुम तो केवल भूत हो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। भावना सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं भूतों को भी होती है, और ये मुझे पता है। चलो छोड़ दो हमें। बाबा ये गलत कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बाबा। और जानबूझकर कर रहे हो, छोड़ दो इन्हें। हाँ, जानबूझकर ही कर रहा हूँ। पीर भाई को मारोगे क्या? भूतों से पीर बाबा हारेंगे नहीं। ए, चलो रे, चलो जय काली। मुझसे पंगा लोगे? ओम क्लीम क्लीम ओम ओम काली ब्रह्म वर्धिनी ओम भयम् 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 वक्षः ओम काली ओम ओम अल्लाहु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ओम काली ऐ ओम काली मलिकिन नास इलाहिन नास मिन ओम काली ओम अल्लज़ी यवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्न ओम हं मं चं चल भाग शैतान। ओम काली काली आज पूर्णिमा है, तुम्हें शिव का अनुग्रह नहीं मिलेगा। भागने के लिए सोचा ना तो शिव को भी बहुत काम होगा वहाँ, इसलिए इधर नहीं आएंगे। जानबूझकर आज ही पकड़ा है तुम्हें, बोलो जाओगे या नहीं? तुम जैसों के लिए काली माता को मैं अपने अंदर ही रखती हूँ। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो तुम्हारे माता पिता को यहीं जलाकर राख कर देंगे। जाओगे ना? ठीक है, देखो। अरे हमें पेट्रोल डालो, हमें तो छोड़ो। नहीं, उनको जला डालो, जला डालो उनको, जाओ जला दो। नहीं, रुक जा, रुक जा, चलेंगे। ऐसा मत करो, आओगे ना? मत करो, आओगे ना? मत करो, मत करो, ऐसा मत करो ना। करो, जाएंगे। हाँ जाएंगे, जाओगे ना? ए रुको, रुको 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 रुको, रुक जाओ। जाएंगे भाई, जाएंगे जाएंगे। रमेश, रमेश मुझे माफ कर दो, रमेश माफ
हमने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, हमें माफ कर दो प्लीज। हमारी शादी करने से तुम्हें तकलीफ है? हम कभी शादी नहीं करेंगे। हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। हमने तो सिर्फ प्यार मांगा था ना, उसके लिए तुम लोग अपनी जान देने चले गए। लोग जिंदा होकर मरना चाहते हैं, लेकिन हम मरने के बाद भी जीना चाहते हैं, समझी? हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं मालूम है क्या? तुम हमारी प्यार को नहीं समझ पाई क्या? हम शब्दों में ये बात नहीं कह सकते। दुनिया में फूल को खूबसूरत चीजों में माना जाता है, और हम लोगों ने तुम्हें ही फूल मान लिया था। इतना सब करने के बावजूद आप लोगों ने हमें धोखा दिया। एक इंसान दुनिया में कुछ भी खो सकता है, मगर अपना प्यार खोना पसंद नहीं करेगा। उसका दर्द सहन नहीं होता। हमने पढ़ाई छोड़ दी, परिवार को छोड़ दिया, यहां तक कि प्यार को भी। तुम लोगों के लिए हमने अपनी जान तक दे दी। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ ने गुंडों के हाथों हमें मरवा दिया। अगर हम चाहते तो तुम्हारी माँ को पहले ही मार चुके होते, लेकिन हमने इसे जरूरी नहीं समझा। हमें तुम्हारा प्यार चाहिए था, इसलिए हम तुम्हारे पास आए थे। लेकिन अब तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो? अब से हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अब तुम लोग शादी करके खुशी से रहना। अब हम लोग आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगे। आप लोग हमेशा खुश रहना। Oh, my God.